अस्सलामुअलैकुम। पिछला व्लॉग हमारा C11 के बारे में था, कनाडा के इमिग्रेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वीजे के हवाले से, और यकीनन इस पे आपके बहुत से सवाल आए, बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की। लेकिन आज का व्लॉग आपके लिए अहमियत का हमल होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं मुख्तसर अंदाज में कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कनाडा में PR-शिप का स्टेटस आपको मिल सकता है। इस प्रोग्राम स्टार्टअप वीजा के तहत 2 साल में ही परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस मिल जाता है। इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसा बिजनेस प्लान मुतारफ करवाना है जिसमें जिद्दत हो और इसमें कनाडा में रहने वालों के लिए जॉब्स के चांसेस हो। अलबत्ता इस प्रोग्राम के तहत आप एक ऐसा मंसूबा भी सामने लेके आ सकते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बिजनेस प्लान ला सकते हैं जिसमें 5 लोग पार्टनरशिप के तहत उसको पेश कर सकते हैं और उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस पांचों को मिल सकता है। 2024 में कनाडा हुकूमत ने स्टार्टअप वीजा में इमिग्रेशन में कुछ तब्दीलियां की हैं। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा वो वह मुल्क है जहां अब इमिग्रेशन कदरे कुछ मुश्किल हो चुकी है। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के तहत बिजनेस इमिग्रेशन का हसूल मुमकिन है। कनाडा इस प्रोग्राम के तहत कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को महज चंद महीने में अपनी फैमिली के साथ कनाडा रिलोकेट हो सकते हैं वो, और 2 सालों में उन्हें PR का स्टेटस मिल सकता है। इस प्रोग्राम के तहत एंजल और इंक्यूबेटर्स प्रोग्राम में कैनेडियन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्लान की मंजूरी लेनी होती है और अपने कारोबारी प्लान में आप, जिस तरह मैंने पहले कहा, 5 लोगों तक को अपने मंसूबे में शामिल कर सकते हैं और उन्हें भी वही हैसियत मिल जाती है जो आपको मिलेगी। IRCC ने 2024 में पॉलिसीज में कुछ तरामीम करके उसकी वजाहत की है कि स्टार्टअप के प्रोग्राम में तकरीबन 3 साल का अरसा अब दरकार है जो नई उसमें तब्दीलियां आई हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है और कुछ अहम मंसूबों पर बहुत जल्द प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। अगर ऐसा मंसूबा जो जिसमें जिद्दत हो, जो अनोखा हो, उसमें वो जल्द एक्सपेरेट भी करते हैं। कैनेडियन स्टार्टअप वीजा के हसूल के 6 मरले हैं, जिसमें पहला मरला बिजनेस कंसेप्ट डेवलपमेंट का है जिस पर तकरीबन सब ही कंफ्यूज है और फैसला ही नहीं कर पाते कि डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपके कौन से प्लान की, बिजनेस प्लान की मंजूरी होना मुमकिन है। अगर आपका बिजनेस कंसेप्ट बिल्कुल जुदागाना नौयत का है और इस तरह का नहीं, मसलन आपने कहा वहां मैंने सर्विस स्टेशन खोल देना है, फ्यूल पंप लगाना है, रेस्टोरेंट खोलना है, मार्ट स्टोर खोलना है, तो आप अपने उस रवायती बिजनेस को पेश करते हैं तो आपको हरगज अप्रूवल डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। इस बात को खातर जमा रखिएगा। बिजनेस प्लान आपकी पहली सीढ़ी है जिसमें बहुत से हमारे कर्म फर्मा कंसल्टेंट्स को भी इल्म नहीं, वो भी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो भी कुछ कनाडा में कर्म फर्मा बैठे हुए हैं और उनसे भी मेरी डिस्कशन होती रहती है, तो उनसे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। आप बिजनेस प्लान के हवाले से मेरे साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333-427-5051, ये जो सामने नंबर आ रहा है, इस पे आप अपना बात करें और बिजनेस प्लान के हवाले से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए भी कि बिजनेस आइडिया किसी भी बिजनेस इमिग्रेशन की पहली और अहम तरीन बुनियाद है, जिसे महज अपने फंड या किसी और जोन में आप कहते हैं जी आपके पास $10,00,000 हैं, आप कहते हैं इसी जोन में कि मुझे इमिग्रेशन मिल जाएगी, तो ऐसा मत सोचिएगा, शायद ना मिले आपको। नतीजा इन डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन से मजदूरी आपको नहीं मिलेगी, महज फंड्स की अवेलेबिलिटी पर नहीं मिलती, आपके आइडिया के ऊपर मिलती है। और यूं आपकी सारी, अगर आपका आइडिया ही निकम्मा है, आपका आइडिया ही को बेहतर नहीं है, बिजनेस प्लान बेहतर नहीं है, तो सब कुछ चौपट हो जाता है। ऐसा फिर आपको मुनफरिद
मनसूबा जिसमें तरक्की के मौके मौजूद हों और कनाडा की माशी और समाजी हवालों से मस्बत असरात मुंतज हों और वहां कनाडा में रोजगार के मौके भी आप पैदा कर सके। अगर आपने मनसूबा मरबूत तरीके से तैयार कर लिया है, पहले आपने फिर समझ लीजिए कि आपने पहला स्टेप उनको अबूर कर लिया होता है। अगला मरला है कि डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब करना होता है, क्योंकि कनाडा हुकूमत की तरफ से 84 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें किसी एक का दुरुस्त अंदाज से इंतखाब करना आपको कामयाब कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपसे कुछ लोग मुंह खोलकर आपसे फंड्स अपनी फीस तलब करते हैं जो $10,000 से $50,000 तक हो सकती है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है जो आपके बिजनेस प्लान को बगैर फीस के प्रोसेस करती हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन फिर याद रखिएगा बहुत ज्यादा है। इसके बाद तीसरा मरहले का आगाज होता है, वो जो आपने मुंतखब किया ऑर्गेनाइजेशन से अपने बिजनेस प्लान की आपने मंजूरी लेनी होती है। याद रखिएगा यही सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है, इसमें आपकी कॉरेस्पोंडेंस में जरा सी गलती नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें, मुमकिन उन सवालात का और तहफ़ुज़ात का तसल्ली बख्श जवाब दे सके। इस सिलसिले में जब कोई मजीद दस्तावेज मुहैया करना जरूरी हूं तो उनको जरूर मुहैया करें। अगर उन्हें आपकी स्टार्टअप वाइबिलिटी पर, बिजनेस वाइबिलिटी पर एतमाद हो जाता है तो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट भी मिल जाता है, वो लेटर ऑफ सपोर्ट आपको जारी कर देंगे। इसके बाद आपका आइट्स जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका CLB 5 दरकार होता है, वो भी जरूरी है। इसमें आइट्स में CLB आपका 5 होना जरूरी है। आपके तमाम तर जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो एप्लीकेशन फीस आप फिर जमा करवाएं और अपने जाती दस्तावेज पिछडिक पर सबमिट करवाएं। और इसमें कुछ ऐसे भी कागजात दरकार होते हैं जिसमें कि वजाहत मैं क्योंकि विलाक तवालत का शिकार हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर बताना मैं पसंद करूंगा कि अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में जामिया मुफस्सल रिपोर्ट जिसपे तरक्की के चांसेस नजर आए। और इसके बाद बारी आती है उस स्टेप की जिसपे आपने कनाडा को शिफ्ट होना होता है। आपने कारोबार के लिए आपको फिजिकली तौर पर कनाडा में आपका मौजूद होना नागुजगीर है, चूंकि जो कारोबार का रोड मैप आपने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव करवा रखा है उस पर अमल पैरा होने के लिए वर्क परमिट के हसूल के लिए अप्लाई करना है। इसी वर्क परमिट की वजह से आप कनाडा मुंतकिल हो जाएंगे, फिर PR एप्लीकेशन के जरिए कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटी प्रोसेस का आगाज करती है। इसके बाद सातवां मरहला का जिक्र करते हैं कि स्टार्टअप प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस रिपोर्ट IRCC को आपने बकायदा देनी होती है, जो लम्हा ब लम्हा आपके कारोबार का डेवलपमेंट का जायजा लेती रहेगी जब तक आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल जाती। इस तरह यूं समझ लीजिए कि यह मरहला भी खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि IRCC की अथॉरिटीज ने 2022-23 को बहुत सी ऐसी दरखास्तों को मुस्तरद ही कर दिया और ज्यादातर उन दरखास्त दहिंदगान की दरखास्तों को मुस्तरद किया जिन्होंने महज खानापुरी या कागजों में ही बिजनेस प्लान बनाया था, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं थी। इसलिए जरूरी है कि आप वहां जब जाए अपना कारोबार स्टैब्लिश करें तो हर 6 माह बाद अपने कारोबार की रिपोर्ट IRCC को बाकायदगी से भिजवाते रहें। अगर आपने इन मरहलों को साबित कदमी से अबूर कर लिया तो इसमें प्रोग्राम और इस पर साबित कदम रहे और कामयाब रहे तो इसमें डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाएंगे जो आपने 2-2.5 साल पहले जिसका आगाज किया था। आज का व्लॉग मैं यहां खत्म करता हूं। अब हम अगले व्लॉग में स्टार्टअप के फायदे के बारे में, फिर उन नुकसानात के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले व्लॉग तक का इंतजार कीजिएगा। आमिर हाशमी को इजाजत, वस्सलाम।